हाय दोस्तों, तो मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कृष्णा आरोही ब्लॉग्स। तो आज जो है देखिए क्या बनने वाला है। आज बनेगा मेरा घर में भेज बिरयानी। तो अनु सामान लेके आइए आइए। तो देखिए अनु जो है सूप में सामान लेके आइए। ये इसमें क्या क्या है देखिए, ये फूलगोभी, ये बीन्स, ये गाजर, ये आलू और थोड़ा सा ये शिमला मिर्च है और थोड़ा मटर और धनिया पत्ता। यहाँ प्याज लेके आई है, जीरा और तेज पत्ता। और देखिए आरोही यहाँ पर कितना बदमाशी करती है। देखिए आरोही जो है कितना बदमाशी करती है, ये बहुत अभी बदमाशी करती है। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है खड़ा मसाला है कुछ, उसको डाल देते हैं। ये लखाई घी। तो आरोही जो है अभी मांग रही है, गाजर मांग रही है, लीजिए खाइए। आरोही जो है उसका नाश्ता बन गया है, गाजर में थोड़ा सा नमक डाल के ये नमक खा रही है और मांग रही है दीजिए ना बोल के। तो देखिए इसमें मसाला वगैरह है, ये कस्तूरी मेथी है और ये एवरेस्ट का है बिरयानी मसाला है। और ये थोड़ा सा है कलर के लिए, बिरयानी कलर के लिए थोड़ा सा है कलर है ये। और यहाँ पर शाही बिरयानी मसाला भी है। मेरा दादी आ गई है, देखिए पीछे में है। वो बोल रही है क्या बना रहे हैं ये लोग, देखते हैं। देखिए अभी जो है मसाला जो है भून के हम निकाल दिए हैं कटोरी में। अब जो है इसको सब्जी को अलग से भूंजेंगे। तो सबसे पहले मैं देता हूँ यहाँ पर फूलगोभी, फिर गाजर, फिर बीन और आलू, शिमला। और मैं इस सूप को ऐसे करूँगा और सीधे गया कढ़ाई में। देखिए आज हम कैसे बना रहे हैं बिरयानी, इसमें व्हाइट, ग्रीन, रेड सब कलर का सब्जी मिक्स किया गया है। देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये है अनु जो इंतजार कर रही है कि कब बिरयानी बने तो इसको मिलेगा खाने के लिए। तो यही इंतजार में अनु बैठी हुई है, क्योंकि बिरयानी इसका जो है बहुत फेवरेट चीज़ है अनु का। और इसको अनु को बिरयानी कहीं से मिल जाए वेज बिरयानी तो एक गमला खा लेती है। मतलब बोला जाए तो कितनों खाए तो इसका पेट ही ना भरे, अजीब जानवर है ये। और आरोही जो है अभी उसको रात में से ठीक से सोई नहीं थी तो वो अभी सो रही है अपना मम्मी के पास। तो जो है आरोही जो है हम लगा के सो जाएगी लेकिन नहीं सोई है, फिर आ गई है। देखिए सिलेट लगी है, बहुत बदमाशी करने लगी है आजकल, जैसे जैसे बड़ा हो रही है बोल रही है कि हम बदमाशी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा जैसा बड़ी हो रही है वो बदमाशी करते जा रही है। खेल रही है, पढ़ाई करना है ना, खेलना नहीं है। दरवाजा बंद कर ले। हाँ? तो अभी जो है देखिए ये थोड़ा सा भुंजा रहा है मेरा बिरयानी, वेज बिरयानी का सब्जी। और इसमें थोड़ा सा हम अभी थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसमें सोयाबीन। सोयाबीन इसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ ये अभी कच्चा नहीं खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए, कच्चा खाने से ना इसमें उल्टी होने लगेगा। ठीक है, ये बनने का पकेगा उसके बाद खाने चाहिए। ठीक है, तो ये कच्चा है। ठीक
मिक्स पाउडर डाल देते हैं, फिर इसमें जो है फूड कलर बहुत अच्छा आता है, जिसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया है। जो है आप मटर चिली इसमें डाल ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि जो है अब समय आ गया है, ये आधा पक गया है, अब इसमें डालने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हरा मटर जा रहा है, देखिए बनाते बनाते थोड़ा बाहरी तरफ चल गया मैं, और बाहरी तरफ देखा पपीता पका हुआ था, तो उसको मैं तोड़ के भी ले आया। तो इधर जो है बिरयानी रेसिपी बन रहा है, और इधर जो है हम पपीता छीलेंगे, और थोड़ा सा भूख लग गया है, तो इतना जल्दी तो बिरयानी बनेगा नहीं, इसलिए पपीता छील के थोड़ा सा इसका खा लेंगे। और यहाँ पे जो है घर का बकरी का बच्चा आ जा रहा है मेरे पास, यहाँ पर पपीता छील लिया है और इसको काट लिए हैं, और जो देखिए आरोही कैसे खा रही है, क्या चाव से खा रही है, और हम भी थोड़ा सा खाते हैं इसको। बहुत मीठा पपीता है। तो दोस्तों देखिए जो है इसके स्वाद के लिए थोड़ा सा जो है बटर मैंने डाल दिया है, इसका जो है खाने का स्वाद जो है बहुत 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 मस्त खुशबू आ रहा है। तो जो है अभी जो है सब्जी बन गया है इसका वेज बिरयानी का, तो उसको उतार के रख दिए हैं, और यहाँ थोड़ा सा फूड कलर ऐड किए हैं, तो अभी फूड कलर देंगे। और यहाँ पर जो है पहले से जो है हम प्याज जो है इसको तल के फ्राई करके रखे थे, तो यहाँ पर था, और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो जो है आप जो है लास्ट फाइनल पोजिशन में है बिरयानी का। और यहाँ देखिए आरोही जो है कितना बदमाशी करती है, इतना छटपट हो गई है, अभी बहुत छटपट करती है, ये एकदम बंदर से भी बंदर हो गई है। देखिए ये देखिए जो है सब्जी काट रही है, आम पत्ता की सब्जी। और देखिए यहाँ पर जो है अनु आ गई है खुशबू सुनकर, इसका स्वाद का खुशबू सुनकर यहाँ पे अनु आ गई है अभी। तो अभी हम लोग जो है करेंगे, अभी हाथ कट जाएगा अनु, ऐसा नहीं कीजिए, उधर उधर कैमरा में बोलिए, कुछ बोलिए कि जिसको जिसको खाना है आइए आइए। जो जो बिरयानी खाएंगे वो मेरे घर में आ जाइए, इसे बोलिए, जो जो बिरयानी खाएंगे खाएंगे मेरा घर आइए आइए, आपका वेलकम है। ई काम है। चलिए तो आइए आइए तो बंद कीजिए। तो देखिए मेरे पास जो है अभी चावल भी रेडी हो गया है, सब्जी भी रेडी है वेज बिरयानी का, और चावल डाल रहा हूँ, डालने के बाद अभी सब्जी डालेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी है हम लोग का, तो ये थोड़ा सा देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा फूड कलर, प्याज कलियर भी लगा दे रहे हैं, थोड़ा सा घी, तो अभी जो है फाइनली हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं। देखिए वेज बिरयानी, तो इसका टेस्ट जो है कैसा लगता है देखते हैं थोड़ा सा खा के। अति उत्तम, सुपर, वेरी गुड। आ जाओ अनु, थोड़ा सा आप टेस्ट कीजिए। हाँ हाँ
कैसा लगा बताइए। खाई जा रही है, खाई जा रही, कुछ बोल नहीं रही है, अच्छा लगा खराब लगा कुछ तो बोलिए। देखिए दोस्तों, अभी जो है बिरयानी हम खा के, और अभी जो है अभी उस समय धूप नहीं उगा था तो ठंड मैंने ठंड लग रहा था अधिक, तो अभी थोड़ा बहुत धूप उग गया है, तो इसका जो है आरोही का बाल थोड़ा बढ़ गया था, उसका काटने के लिए आए हैं। देखिए मेरे हाथ में जो ट्रिमर है, तो देखिए यहाँ जो है बारी में आए हैं, तो बारी में जो है देखिए कितना पीला पीला सरसों का फूल जो है कितना सुंदर मेरा बारी में हो गया है, और एक दो बार वीडियो हम बनाए हैं बारी में, लेकिन इस तरह का फूल उसमें खिला हुआ नहीं था सरसों का, तो ये अच्छा से खिल गया है एकदम, देखिए एकदम सरसों का पीला पीला सरसों का। आरोही रेडी? तो आरोही जो है रेडी है, और मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ आरोही का बाल काटने के लिए, तो आरोही जो है क्या मस्त से बाल कटाएगी, ट्रिमर से नीचे कीजिए आरोही माथा। हाँ बारी 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 देखिए माथा कैसे कैसे घुमा रही है, ऐसे नहीं कीजिए, सही से रहिए। बच्चा का जो है इतना छोटा में बड़ा बड़ा बाल रखना ठीक नहीं है, ताकि गर्दन जो है इसका सही से डेवलप नहीं होता है, और गर्दन शिकायत आ सकता है, तो इसलिए जो है बच्चा को छोटा जितना अच्छा रखिएगा, छोटा बाल रखिएगा उतना इसके लिए अच्छा है। ऐसे नहीं कीजिए, देखिए कैसे कैसे छटपटाती है, इधर से नहीं रखती है माता, इसको किटकिटाना लगा है, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके इसको काट के खत्म करें, यही बेस्ट होगा। टेकली करा दें, तो आरोही जो बोल रही है टेकली करा दीजिए, टेकली कराने से अच्छा नहीं लगेगा, नहीं गर्मी के दिन आएगा हम टेकली कर देंगे, ठीक है, अभी ठंडा के दिन में टेकली करिएगा ना, ठंडा लगेगा ज़्यादा, तो आरोही जो है बोल रही टेकली करा दीजिए, तो इसको गर्मी के दिन में टेकली करा देंगे क्या। जिसको भी बाल कटाना है हमसे संपर्क करें, नहीं बोलिए कि जिसको बाल कटाना है मेरा पापा पास आ जाए, बोलिए ना, बोलिए बच्चा तो बता दीजिए। देखिए आरोही का जो है बाल छोटा छोटा कर दिए हैं, अभी काट के इसका बड़ा बड़ा हो गया था। हाँ, और आरोही अपना बाड़ी में बाल कटा रही है, अभी नहीं हुआ, रुकिए रुकिए, अभी इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, नहीं हुआ है, हो जाएगा नहीं हुआ है। हाँ, अब आरोही बदमाशी नहीं करती है, अब बाल कटाएगी अच्छा से कटाएगी। ये अपना बाल कुर्सी में गिर के देख देख के हंस रही, इधर कीजिए माथा इधर कीजिए। हाँ, तो जो है आरोही का अभी जो है हो गया है बाल कटिंग, इसका जो है थोड़ा थोड़ा साइड साइड में इसका जो बाल है सब है, तो बच्चा लोग का जो है बाल कटना बहुत मुश्किल है, बड़े लोग की अपेक्षा बहुत ही मुश्किल है,